और ये बहुत शुरू में लोगों ने सोचा कि कोई जनादेश की ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, वो जनादेश जो बहुत ही सकारात्मक तरीके से किसी नेता को चुनता है, वो अचानक उसके शपथ ग्रहण के बाद वो जनता गाली गलौज की भाषा में बात करने लगती है। तो बहुत लोगों ने समझाया कि ये जो ट्रोल हैं वो स्वाभाविक अभिव्यक्तियों का हिस्सा हैं, जिन्हें कई बार अति उत्साह में ये समझ में नहीं आता कि कैसे बोला जाता है। उन्हीं दिनों के आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में मैं स्वपन दास गुप्ता के साथ था, वो वही बता रहे थे मेरे साथ बगल में बैठ के। तो मैंने उनसे तब कहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो गालियाँ हमें दे रहे हैं, जो नहीं बोल पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये तो घर में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे बहुत बातों को, तो क्या अपनी माँ को, अपने पिता को ये गालियाँ देने लगे हैं अचानक से? और ये सब कुछ नहीं बोल पाने की जो कसमसाहट है वो इनके शपथ लेने के बाद शुरू होती है, उसके पहले नहीं शुरू होती है। तो इसको एक तरह से सामान्य बनाया गया ट्रोल को। और ये ट्रोल आए कैसे? बहुत ही अपने आप को इन्होंने शुरू में लेजिटिमाइज किया कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं कि आप $1.72 का हो गया, तब कहाँ थे आप? तब मान लीजिए नेहा दीक्षित स्कूल में होंगी, हम भी स्कूल में होंगे, तो हम कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ का पता रखें आपको बताने के लिए? नहीं थे कहीं। यही सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या किसी सवाल को पूछने से पहले ये होना जरूरी है कि आप पहले कहाँ कहाँ थे? तो ये एक इज इक्वल टू की थ्योरी बनाई गई कि पहले भी होता था, अब भी होता है, अब आप बोल रहे हैं, पहले आप नहीं बोलते थे, पहले हम एंकर ही नहीं थे, पहले आप ही हमको नहीं जानते थे, तो मेरे बोलने लिखने का क्या मतलब था? तो ये एक तमाशा खड़ा किया गया उस एक आदमी को सुरक्षा कवच देने के लिए जो अभी बोल नहीं पा रहे। तो उनको एक पहले प्रोटेक्ट किया गया। तो ऐसे हम लोगों को आइसोलेट करने की एक कोशिश की गई। वो हमला बहुत जोरदार था। 2013 तक इस तरह से चीजें नहीं थी, लेकिन 14 के बाद ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सब कुछ उनके अनुकूल हुआ है, सत्ता मिली है और बहुमत इतना प्रचंड है कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह का खतरा नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक लोग हम जैसे लोगों को गालियां देने लगे हैं? और हम बहुत आलोचनात्मक हो जाते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। तो शुरू में कहा गया कि आप एंटी मोदी हैं। तो ये धारा बनाई जा रही थी कि हम सब जिसने एक चुनाव में तत्काल परिस्थितियों को देखते हुए एक राजनीतिक विकल्प को चुना है, अब उस चुनने के बाद हम सबको प्रो मोदी होना है। तो वोटर का, समाज के भीतर वोटर का वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ प्रो मोदी का। तो वो ये तभी संभव हो सकता था जब 2-4-10 लोग एंटी मोदी बताए जाते। तो समझ में ये बात नहीं आती थी कि इसमें एंटी मोदी होना क्या है, कि अगर हम कहें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप बोल नहीं पा रहे हैं कि रुपया $1 के सामने 72 के बराबर कैसे हो गया, उससे ज़्यादा कैसे हो गया, इसमें एंटी मोदी होना क्या है? क्या आप बता सकते हैं इसमें एंटी मोदी होना क्या है? क्या कोई अवतार हुआ था इस देश में? हमारे यहाँ तो अवतारों को भी नहीं बख्शा गया, उन पे भी कई तरह के शास्त्रार्थ हैं आपस में, बहुत तरह की कहानियां हैं। तो उनको कहा गया कि आप एंटी मोदी हैं। फिर धीरे धीरे उसको शुरू किया गया और कहा कि आप एंटी इंडिया हैं। जब तक ये एंटी मोदी था इज इक्वल टू के थ्योरी के बाद जब ये एंटी मोदी पर गया और एंटी मोदी एंटी इंडिया तक आपको बनाया गया, ये डिजाइन बहुत जल्दी समझ में नहीं आया। 3-4 साल गुजर जाने के बाद इस डिजाइन का कुछ हिस्सा हम समझ पाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रोलिंग हुई थी वो अकूत संसाधनों के बदौलत हुई थी और इसके लिए बहुसंख्यक समाज के लड़कों को दंगाई बनाया गया। पहले वो समझ रहे थे कि उन्हें प्रो मोदी बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें दंगाई बनाया गया। दंगाई का काम क्या होता है? एक सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है, एक रणनीतियां बनाता है।
लेकिन पहली बार बहुसंख्यक समाज के भीतर एक ऐसे हिस्से को का निर्माण किया गया और वो तैयार किया गया, उसका हिस्सा काफी बड़ा था, जो ऐसी हत्याओं पर, ऐसे हमलों पर या तो चुप रहे या फिर उसको छोड़ के तरह तरह से उसको उचित ठहराने के लिए तर्कों का जुटान करे, तथ्यों का जुटान करे। मारा गया है अखलाक, बात आप किसी और चीज पे कर रहे हैं, और आप देखिए कि उसको किस तरह से, उसका एक नेटवर्क था। 4 साल 3 साल बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम अखलाक के बाद भी जीते। आप जीते, बिल्कुल जीते, क्योंकि आपने ट्रोल के जरिए, जब वो बहुसंख्यक समाज सोचेगा कि हमारे लड़के किसी नेता के पीछे पागल हो जाएं वहां तक तो ठीक है, लेकिन दंगाई बन जाएं, ट्रोल बन जाएं, क्या वहां तक भी ठीक है? इस बहुसंख्यक समाज को तो बताना पड़ेगा। अगुआ को बताया गया क्या? हमारा लड़का इंजीनियर है, साथ में 2-4 रविश कुमार को भी गाली देता है मां बहन की, बताएगा क्या दरवाजे पे बैठ के उसका बाप? नहीं बताएगा ना। तो ये समाज में तैयार किया गया। तो इसमें ये तरीका क्या था कि आपको समाज से, सरकार से, जैसे ही आपकी पहचान वो एंटी मोदी और एंटी इंडिया कराता है, तो सबसे पहले आप उस सरकार, जो कि आपकी अपनी भी है, भले ही आप उसको चलाने वाला आपके, आपकी सोच का, आपके अनुकूल का ना हो, पर वो सरकार तो मेरी भी है ना, तो उस सरकार के सामने आपको निहत्था किया जाता है। और जब ये एहसास करा दिया जाए कि इतनी बड़ी हुकूमत के सामने आप अकेले हैं, निहत्था हैं, और उसके सामने आप अलग थलग कर दिए गए हैं, वो डर सामान्य डर नहीं होता है। आप पूरी तरह से ऑफ गार्ड कर दिए जाते हैं कि अब आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ जब वो एंटी इंडिया कहते हैं, और एंटी इंडिया कहते कहते जब वो एंटी हिंदू कहते हैं, तब उस बहुसंख्यक समाज को भी आपके खिलाफ तैयार कर दिया जाता है, ताकि आप समाज से भी आइसोलेट कर दिए जाएं, अलग थलग कर दिए जाएं। ये चीज सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रही थी, ये चीज उस वक्त चंद लोगों के साथ हो रही थी। वो चंद वो लोग थे जो अभी भी वो कोशिश कर रहे थे कि हम पत्रकारिता के जो भी हमारे पास सीमित संसाधनों में, तमाम अंतर विरोधों के बावजूद, करने की जितनी भी जमीन बची हुई है हम उसमें वो काम करते रहेंगे। तो उनको घेरा गया, और खासकर उस बहुसंख्यक समाज को आज न कल इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे उसने महिला पत्रकारों को दी जाने वाली गालियों को बर्दाश्त किया और उसका स्वागत किया। उसको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। महिला पत्रकारों को जिस तरह से ट्रोलिंग की गई, उन्हें गालियां दी गई, बलात्कार करने की धमकी दी गई, ये धमकी सिर्फ और सिर्फ उस बहुसंख्यक समाज के भरोसे दी गई, जिसके बारे में इन तबकों का मानना था कि वो भी बलात्कार, हिंसा और हत्या का समर्थक हो चुका है। तो वो दरअसल हम 4, 10, 25 लोगों को टारगेट करते हुए उस बहुसंख्यक समाज को हिंसा के प्रति सहमत होने के लिए तैयार कर रहे थे, और इस सहमति में हम तो बचाव करने के लिए खड़े भी हैं, पर गांधी अपना बचाव कैसे कर पाएंगे, जिनकी हत्या को जस्टिफाई करने के लिए कविताएं लिखी गई हैं, बहुत ही हाई स्किल कविताएं लिखी गई हैं, जिनकी हत्या को जस्टिफाई करने के लिए लोग आपके ही सामने आकर कह रहे हैं कि हम गोडसे जयंती मनाएंगे। मनाओ भाई, अंबानी पर नहीं बोल पाओगे तो गोडसे जयंती ही मनाओगे ना, और क्या करोगे? मनाओ, क्योंकि आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप मनाओ गोडसे जयंती। क्योंकि आप चुनाव जीत जाते हैं तो 2 एंकरों को आप नौकरी से निकलवा दीजिए। क्योंकि आप चुनाव जीत जाते हैं अखलाक के बावजूद, आप पता नहीं कितनी चीजों के बावजूद चुनाव जीत जाते हैं। कल को आप ये भी कहेंगे कि 100 रुपया पेट्रोल कर दिया, इसके बावजूद हम चुनाव जीते, और हमारा विरोध करने वाले एंटी इंडिया थे।
आप कुछ भी कह सकते क्योंकि आप चुनाव जीत जाते हैं। जीतने के बाद सिर्फ आप यही नहीं बोल पाते हैं कि वो आदमी उस डील में पार्टनर कैसे हो गया। तो आपको डराया गया, रातों रात ट्विटर पर हजारों हमले किए गए। हम जैसे लोग जो तैयार नहीं थे इस समय के लिए, समाज के लिए, अपना काम साधारण ढंग से ही करते चले आ रहे थे, रातों की नींद उड़ गई। समझ में नहीं आया कि इतनी गालियां क्यों दी जा रही हैं। समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ट्रोल, जिसे एक अनजान अनाम सेना के रूप में पेश किया जा रहा था, लेकिन जब हम अपनी सोसाइटियों या क्लब में या कहीं और जा रहे हैं, वहां पे लोग पकड़ के क्यों गाली दे रहे थे? वो क्या नेता के यार थे? उठते बैठते थे जो उसको सब पता था, उनको सही या गलत भी। तो ये एक ट्रोल का सोशलाइजेशन किया गया ताकि आप आइसोलेट होते जाएं, और ये स्थिति बहुत भयानक थी। जिस एहसास के साथ कि आपको हर उठती गिरती निगाह ये देखे कि आज आप जिंदा हैं, कल आप मार दिए जाएंगे, आज आपकी नौकरी है, कल आपकी नौकरी चली जाएगी, इस एहसास के साथ जीना और अपना काम करना, हम लोगों का ठीक है, एक ज़्यादा सुरक्षा है, पर आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो अपना साधारण ही काम कर रहे थे, जिनके पास इतनी सुरक्षा नहीं है, उन पर क्या बीती होगी। मैं समझता हूँ और बता सकता हूँ कि क्या बीती है। रात रात भर नहीं सोया, दिन दिन भर बेचैन रहा कि ये हो क्या रहा है। किसी चौराहे पर गाड़ी रोकने पर कोई शीशा नीचे करके गाली दे देता था कि तेरे को देख लेंगे। आप बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं तो वहां टेबल पे बैठे हैं खाने के लिए, वहां आकर गाली दे जाता था कि आपको देख लेंगे। इतने लोग देखने वाले तैयार हो गए मुझे, किसके शह पे? क्या हिंदुस्तान की जनता ने 2014 में यह तय किया था कि इनको लाओ तो और इनको लाके ये 10-20 पत्रकारों को पिटवाओ, ये इसलिए आप लोगों ने फैसला किया था? तो इस देश का समाज इतना बुजदिल हो गया, मैंने इतना बुजदिल इंडिया कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। वो बुजदिल इतना हो गया कि 2014 से पहले जिस तरह से लोग स्वाभाविक रूप से सरकार से टकरा रहे थे, बात बात पे रामलीला मैदान में जमा हो जा रहे थे, ये कितना अच्छा क्षण था कि आप जनता बहुत दिनों के बाद ये एहसास कर रही थी कि कितनी भी 10 साल से चली आ रही सरकार हो या 20 साल तक चलने वाली सरकार हो, हम उससे बड़े हैं, हमारी हैसियत बड़ी है। फिर ऐसा क्या हुआ लोगों में कि वो इतना जनता इतनी बुजदिल हो गई? मेरी कोई बहन नहीं है जिसके खिलाफ कोई मामला चल रहा है। एक ऐसे आदमी है जिनको प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं और अफवाह फैला रहा है। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटा काम करते हैं, वो यही काम करते हैं, गाली देने वालों को फॉलो करना, धमकी देने वालों को फॉलो करना। तो जब आप ये सब काम कीजिएगा तो रातों को भी तो जागिएगा ना, और क्या करेंगे आप काम क्या करते हैं? तो आपको रातों को जागना पड़ा, क्योंकि ऐसे लोगों से तो आप दिन में जाके नहीं मिल सकते थे, हालांकि आप वो भी मिलने लगे, वो हो जाता है। तो इस तरह के लोगों से जो अफवाह उड़ाने वाले हैं, जो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले हैं, उन सब लोगों को अचानक परिवार के लोगों को टारगेट किया गया। अब हम खानदान का तो ठेका नहीं ले सकते, कोई ले सकता है? तो आप भाइयों के बहनों की तस्वीरें लगा लगा कर आपने ये तमाशा किया, और मैं ये देख रहा था कि एक नेता के पीछे किस तरह से इंडिया बुजदिल इंडिया होता चला जा रहा है। वो इस कदर बुजदिल हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं था कि मामूली से सवाल करने वालों को, कि भाई बहन को बीच विवाद में लाकर आप एक ऐसी भीड़ तैयार कर रहे थे कि भीड़ अपना फैसला कर ले और इनको कहीं पकड़ के मार दे। तो आपने उसको तैयार किया, उसको नॉर्मल बनाया।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज।